हेलो गाइस, मैं आज आपको दिखाना चाहूँगी ऑनेसिस। मैंने ऑर्डर किया था एक हॉपस्कॉच से और फ्लिपकार्ट से, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख ही रहे होंगे। तो अभी मैं क्या करूँगी, इनकी अनबॉक्सिंग करूँगी और इसका रिव्यू दूंगी। पर एक जो पैकेट है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, फ्लिपकार्ट का है और दूसरा पैकेट है हॉपस्कॉच का, ठीक है। तो इनमें जो है, इनका प्राइस रेट दोनों का ही डिफरेंट है, बट मैं फिर भी रिव्यू करना चाहूँगी कि कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि सेम ड्रेस जो है अगर वहाँ पर भी मिल रही है मतलब सस्ते रेट में, तो हम क्यों ना वहाँ से ऑर्डर कर लें, बट उनका एक बार देख लेते हैं कि कैसी आती हैं। तो मैंने दोनों सेम ड्रेस जो है दोनों साइड से ऑर्डर की थी। पहले मैं ओपन करने जा रही हूँ अपना हॉपस्कॉच वाली ड्रेस, तो इसको देखते हैं। दोनों ही पीच कलर की हैं। तो ये है ड्रेस जो मैंने ऑर्डर की थी 3 to 6 months के बेबी के लिए। तो जैसे कि आप देखेंगे, इसका पीच कलर है और साथ में इसमें हेयर बैंड दिया हुआ है, बट हेयर बैंड की जो स्टिचिंग थी वो प्रॉपर नहीं थी, और मतलब इतनी मतलब इसको अच्छा नरेटिंग नहीं दे सकती मैं। बाकी ड्रेस ऑल ओवर जो थी वो अच्छी है, ठीक है, बट जिस हिसाब से इसका प्राइस है, जैसे कि आपने 800 से अबव ही देखा होगा प्राइस, तो उस हिसाब से मुझे वर्थ नहीं लगी। क्योंकि 800 और 1000 में बहुत अच्छी ड्रेस आ जाती है पार्टी वेयरिंग, और साथ में हेयर बैंड भी कुछ इतना वर्दी नहीं लगा। बाकी ये है कि इसकी फिटिंग वगैरह जो थी वो अच्छी है, तो मैंने अपनी बेबी को पहना के देखी थी तो वो अच्छी आई है उसको। और अब नेक्स्ट जो है, मैं ओपन करने जा रही हूँ अपनी फ्लिपकार्ट वाली। तो फ्लिपकार्ट वाली जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, ये भी मैंने सेम कलर का बताया था पीच, ये डार्क पीच है थोड़ा, तो भी तो कलर का कोई इतना इशू नहीं है। बट इसका जो मेन मेजर प्रॉब्लम है कि जो साइज़ ऑर्डर किया था वो एक्चुअल में साइज़ नहीं आया है, साइज़ वो सेम नहीं आया है। और साथ में जैसे ये ऑनेसिस था, तो बट ये इन्होंने अलग से स्कर्ट भेजी है और इसका जो टॉप है वो अलग भेजा है, और स्कर्ट की क्वालिटी भी मुझे कुछ इतनी खास नहीं लगी। साथ में जो इसकी ये स्ट्रिप्स हैं वो कुछ बेल्ट या कुछ लगाने के लिए होना चाहिए था, जबकि उसमें वो भी कुछ नहीं दिया हुआ है। तो ये तो बेबी के वैसे ही बहुत ज़्यादा लूज आएगा जब इसको पहनाएंगे। और दूसरी बात यह कि इसका जो इलास्टिक है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट है, और इसमें जो फ्रिल्स डले हैं स्कर्ट के वो भी अच्छे से नहीं स्टिच किए हुए हैं, मतलब कुछ ऑल ओवर मतलब स्टिचिंग इसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और तो इसलिए मैं इसको कुछ ज़्यादा भी अच्छी रेटिंग नहीं दे सकती। और इसको मैं आउट ऑफ, अगर जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ तो आउट ऑफ 10 3 marks ही मतलब देना चाहूँगी। तो इस मतलब ओके ओके है इसको, मतलब ऐसे पार्टी वेयरिंग के लिए तो नहीं यूज़ कर सकते या बर्थडे वगैरह के लिए। तो ये था दोनों ड्रेसेस का डिफरेंस। आई होप ये वाला रिव्यू आपको मेरा पसंद आया हो, क्योंकि कई बार हम जो है साइट पे जाके देखते हैं, प्राइस रेट कंपैरिजन करते हैं, तो थोड़ा मन में डाउट आता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये जैसे कोई और भी हॉपस्कॉच या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर रहा हो तो उसके लिए हेल्प हो जाएगी। तो गाइस बस ये था, तो आप ये दोनों को एक साथ भी देख सकते हो। ओके गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।